हेलो भाई, देखिए भाई, हम बेसिकली आपके यूनिट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ रहे हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर आपको दो कंपाउंड पढ़ने हैं, इथेनॉल एंड दूसरा जो आपका है वो है इथेनोइक एसिड। इनकी प्रॉपर्टीज एंड यूजेज जो हैं वो आपके सिलेबस में हैं। तो देखो, आज इनके प्रॉपर्टीज और यूजेज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डील करेंगे इथेनॉल के साथ। सबसे पहले इथेनॉल होता क्या है? C2H5OH, इसको क्या बोलते हैं? इथेनॉल, या फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं CH3CH2OH। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर? फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है आपका? OH, इसको क्या बोलते हैं? OH ग्रुप कौन सा होता है? एल्कोहल। सो आपका जो इथेनॉल है वो किससे बिलोंग करेगा? बिलोंग टू एल्कोहल फैमिली। एल्कोहल फैमिली का मेंबर है आपका इथेनॉल। फंक्शनल ग्रुप OH है, जिसको आप क्या बोलते हो? एल्कोहल। तो देखिए, इसका एक दूसरा नाम भी होता है, इसको हम बोलते हैं इट इज ऑल्सो कोल्ड ग्रेन एल्कोहल। क्या बोलते हैं? ग्रेन एल्कोहल। क्यों बोलते हैं इसको ग्रेन एल्कोहल? बिकॉज इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्टार्ची ग्रेन्स। स्टार्ची ग्रेन से हम इसको प्रिपेयर करते हैं, इसलिए इसको आप क्या बोलते हो? इसका दूसरा नाम क्या यूज होता है? ग्रेन एल्कोहल। तो देखिए, अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज में बात करें तो सबसे पहले ये आपका कलरलेस होता है, इट इज ए कलरलेस लिक्विड। दूसरा, ये वोलेटाइल होता है। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, कलरलेस लिक्विड एंड वोलेटाइल इन नेचर। सेकंड, इसकी एक करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, प्लेजेंट सी इसकी स्मेल होती है। इट हैव करेक्टरिस्टिक्स प्लेजेंट स्मेल। थर्ड, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज 351 केल्विन। कितना रहेगा? 351 केल्विन। तो ये उसकी कुछ सिंपल सी प्रॉपर्टीज थी। अब बात करते हैं इसके यूजेज, कहाँ पे ये आपका यूज आएगा। तो सबसे पहले, ये एक इंडस्ट्रीज में सॉल्वेंट की तरह आपका बहुत काम आता है। कहाँ? सॉल्वेंट की तरह। सो यूज्ड एज ए सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट की तरह यूज होता है। कहाँ पे? फॉर पेंट्स एंड डाइज। फॉर पेंट्स एंड डाइज इंडस्ट्रीज में जनरली इसको यूज करते हैं। दूसरा, ये इम्पोर्टेंट यूज है इसका, यूज इन कार रेडिएटर्स एज एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। एंटी फ्रीज सॉल्यूशन दैट मीन्स ये क्या करता है? ये आपके लिक्विड का, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज कर देता है, इसलिए कार रेडिएटर्स में इसको यूज करते हैं। अब उसके डिक्रीज होने का क्या फ़ायदा है? जो कोल्ड कंट्रीज की बात करते हैं, जहाँ पे आपका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से बिलो रहता है, अगर आप नॉर्मल वाटर रेडिएटर में डालते हो एज ए कोलेंट, तो उसके केस में क्या होता है? वो फ्रीज कर जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो इसलिए आप एंटी फ्रीज सॉल्यूशन डालते हो, तो उसके अंदर आप इथेनॉल भी यूज करते हो। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट इसका यूज। थर्ड बात करें, आपने लैब्स में स्प्रिट लैम्प देखा होगा, तो स्प्रिट लैम्प या फिर स्टोव देखे होंगे, तो उनके अंदर ये एज ए फ्यूल भी आपका यूज होता है, बिकॉज ये हाईली इनफ्लेमेबल होता है। ठीक है, क्या यूज होगा? यूज एज ए फ्यूल इन स्प्रिट लैम्प।
स्प्रिट लैम्प्स एंड स्टोव। फोर्थ बात का, ये आपका एज एन एंटीसेप्टिक यूज होता है हॉस्पिटल्स में, यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक इन हॉस्पिटल्स। ये कुछ यूजेज हैं जो आपको सिंपल से जस्ट याद रखने हैं, इनमें समझने वाला ऐसा कुछ है नहीं, जो समझाने की होगा वहाँ पे हम जरूर आपको एक्सप्लेन करें। जस्ट आपको एंटीसेप्टिक यूज होता है, फ्यूज यूज होता है, ये आपको माइंड में रखना है। सो ये आपका एज ए ये इम्पोर्टेंट है, आपका एक ये इम्पोर्टेंट है। कैसे? ये जो है एज ए प्रिजर्वेटिव फॉर बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स, फॉर बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट, जो आपके बायोलॉजिकल स्पेसिमेन है उनको प्रिजर्व करके रखना है ताकि वो स्पॉयल ना हो, डिग्रेड ना हो। जनरली हम स्पॉयल करेंगे, डिग्रेड ना हो, तो उसके लिए वहाँ पे ये आपका एज ए प्रिजर्वेटिव भी यूज होता है। सिक्स्थ की अगर हम बात करें तो ये आपका जो होता है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्कोहलिक बेवरेज, ये तो आप ने नॉर्मल देखा होगा, जो भी आपके बेवरेज आते हैं वाइन विस्की उनमें सभी में क्या होता है आपका अल्कोहल यूज होता है, इथेनॉल ही आपका यूज होता है। तो ये कुछ सिंपल से इसके कुछ यूजेस थे। अब यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रियल अल्कोहल्स के साथ डील करते हैं जिसके अंदर बेसिकली आपका इथेनॉल यूज होता है, इंडस्ट्रीज के अंदर कुछ अल्कोहल यूज होती है। तो सबसे पहला आता है एब्सोल्यूट अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल, इनके नाम जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है इनके नाम आपको याद रखने हैं, ये आपके इम्पोर्टेंट बनेंगे। एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या क्या होता है? आपका जो 100% प्योर इथेनॉल रहेगा उसको आप बोलते हो क्या? एब्सोल्यूट अल्कोहल। सो इट इज 100% प्योर इथेनॉल। अगर आपके पास 100% प्योर इथेनॉल है तो उसको क्या बोलोगे? एब्सोल्यूट अल्कोहल। बट जो 100% प्योर इथेनॉल है उसको नॉर्मली आपका ऑब्टेन करना इजीली आपका ऑब्टेन नहीं होता है। क्यों? बिकॉज आपका एजोट्रोपिक मिक्सचर बन जाता है। जब आप इसको आपने इथेनॉल बनाया, फर्मेंटेशन से जनरली बनता है, तो आप जब कर रहे थे तो उसको आप जैसे जैसे आप उसकी प्योरिटी बढ़ाएंगे तो एक टाइम आया जिस टाइम पर 95% प्योर अल्कोहल आपके पास मिल जाएगा। और ये अल्कोहल 95% प्योर अल्कोहल आपका क्या होता है? एक एजियोट्रोपिक मिक्सचर होता है। और एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप उनको प्योरीफाई नहीं कर सकते हो। तो वहाँ पे आप क्या यूज करते हो? ये आपका यूज नहीं होगा। तो क्या यूज होगा? वहाँ पे यूज होगा एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसके अंदर, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल गिव्स ए कॉन्स्टेंट बॉइलिंग एजोट्रोपिक मिक्सचर। सो अब इसके अंदर क्या क्या रहेगा? विच कंटेन 95% प्योर इथेनॉल। सो अब इससे 100% प्योर करने के लिए क्या करेंगे? इसके अंदर हमें एक थर्ड कंपोनेंट, थर्ड एक सब्सटेंस ऐड करना पड़ेगा। वो हम क्या यूज करेंगे? बेंजीन टू ऑब्टेन 100% प्योर इथेनॉल स्मॉल अमाउंट ऑफ बेंजीन इज यूज्ड।
एक स्मॉल अमाउंट बेंजीन का आप क्या करते हो, यूज्ड या फिर आप बोल सकते हो एडिड टू दी, यूज नहीं एडिड ही सुटेबल रहेगा, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। ठीक है भाई, ये आपकी होती। तो ये आपको याद रखना है, बेंजीन क्यों ऐड करते हैं आपके, बिकॉज आपको क्या चाहिए, 100% प्योर इथेनॉल चाहिए, और 95% जैसे ही होगा एजियोट्रोपिक मिक्सचर बन जाएगा। अगर उससे आपको 100% प्योर चाहिए तो आपको बेंजीन ऐड करना पड़ेगा। अभी सेकंड जो आपकी इंडस्ट्रियल अल्कोहल जो यूज होती है उसको हम बोलते हैं मिथाइलेटेड स्प्रिट, मिथाइलेटेड स्प्रिट, और इसको हम बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। मिथाइलेटेड स्प्रिट एंड डीनेचर्ड अल्कोहल, देखो क्या होता है, इट इज ए 95% इथाइल अल्कोहल, या फिर हम बोलें इथेनॉल। अब याद रखिए, इसको इथेनॉल को हम ये भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या होता है, इथाइल अल्कोहल भी उसको बोलते हैं, जनरली कॉमन नेम की अब बात करेंगे तो क्या बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल भी इसको बोलते हैं। सो 95% इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल को क्या बोलते हैं, मिथाइलेटेड स्प्रिट। अब बात करते हैं कि कहाँ यूज होगी। अगर नॉर्मली इंडस्ट्रीज में, लैब्स में आपकी हम इथेनॉल यूज करें, अगर वो प्योर हो तो उस वो क्या कर सकते हैं, जो वर्कर्स हैं इंडस्ट्रीज में वो क्या करेंगे, उसको ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। सो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, उस अल्कोहल के अंदर कुछ और ऐड करते हैं, जैसे कि हम कॉपर सल्फेट ऐड करते हैं, मिथेनॉल ऐड करते हैं, ताकि वो फिर फिट नहीं रहता किसके लिए, ड्रिंकिंग पर्पज के लिए। हम क्या करते हैं, टू अवॉइड मिसयूज ऑफ इथेनॉल मेंट फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज, जो आपका इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए है उसका मिसयूज ना हो ड्रिंकिंग पर्पज के लिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, मेंट फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज फॉर ड्रिंकिंग, इसके लिए मिसयूज ना हो, ड्रिंकिंग के लिए आपका मिसयूज ना हो, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर मिथेनॉल ऐड करेंगे। इट इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाई एडिंग, क्या ऐड करके, मिथेनॉल। स्मॉल अमाउंट ऑफ मिथेनॉल ऐड करोगे, सम कॉपर सल्फेट जो उसके अंदर कलर लेके आएगा, सम कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट क्या प्रोवाइड करेगा, कलर प्रोवाइड करेगा, एंड पीरिडीन, और क्या डालोगे इसमें, पीरिडीन। ये पीरिडीन क्या करेगा, उसके अंदर एक फॉल्स स्मेल प्रोड्यूस करेगा, क्या करेगा, पीरिडीन टू प्रोड्यूस फॉल्स स्मेल। ठीक है, इस प्रोसेस को आपके जो अल्कोहल इथेनॉल है उसको अनफिट करना फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, अभी बात करते हैं थर्ड, जब का थर्ड अल्कोहल होगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पावर अल्कोहल। देखिए पावर अल्कोहल के अंदर बेसिकली क्या होता है, ये एक मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ 50% इथेनॉल एंड 20% इथेनॉल एंड 50% गैसोलीन। ये मिक्सचर आपको याद रखना है, इसकी कंपोजिशन 20% इथेनॉल एंड 50% गैसोलीन, उसको क्या बोलेंगे, पावर अल्कोहल। ठीक है, अब हमें पता है हमारा जो इथेनॉल है वो गैसोलीन के अंदर जनरली मिक्स नहीं होता है, पेट्रोल के अंदर जनरली मिक्स नहीं होता है, बिकॉज ये पोलर है, ये आपका नॉन पोलर है। तो उसके लिए आप क्या करते हो,
उसके लिए आप एक थर्ड सॉल्वेंट बेंजीन या फिर ईथर इसके अंदर ऐड करते हो ताकि वो डिजोल हो जाए। तो ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए कि जो आप बेंजीन या ईथर ऐड करोगे वो किस लिए ऐड करोगे, ताकि ये दोनों मिक्स हो जाएं, अदरवाइज इथेनॉल और गैसोलीन जो है वो एक दूसरे के अंदर मिसिबल नहीं है। ये एक पोलर है, दूसरा नॉन पोलर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस एल्कोहल डज नॉट मिक्स विद पेट्रोल और गैसोलीन भी बोल सकते हैं, गैसोलीन, ए थर्ड सॉल्वेंट सच एज बेंजीन या फिर आप बोले ईथर इज एडेड, ठीक है। फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ आएगा आपके पास एल्कोहोलिक बेवरेजेज। ये इसके साथ, ये तो इस चीज़ के साथ आप फेमिलियर हो, ये चीज़ें आपने अपनी डेली लाइफ में जनरली देखा हो। जो लीकर्स होते हैं जो आपके ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज होते हैं, उनका जो प्रिंसिपल कंपोनेंट, जो मेन कंपोनेंट जो होता है वो क्या होता है आपका, एल्कोहल। लीकर्स यूज्ड इन, यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, हैव मेन कंपोनेंट एल्कोहल। एल्कोहल भी कौन सा, इथेनॉल आपका, ठीक है। इनको, इन एल्कोहल्स को जो ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एल्कोहलिक बेवरेज। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एल्कोहलिक बेवरेज। ये जो एल्कोहलिक बेवरेज होती हैं, दे टू टाइप्स की होती हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। एक कप की होती है डिस्टिल्ड, डिस्टिल्ड कौन सी होगी, जो आपकी डिस्टिलेशन से प्रोड्यूस की जाएंगी, द लिकर्स ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन, जो डिस्टिलेशन से आपकी ऑब्टेन की जाएंगी और जिसके अंदर एल्कोहल का जो कंटेंट रहेगा वो क्या हाई रहेगा, हैव हायर एल्कोहलिक कंटेंट, वो क्या रहेंगे, आर कॉल्ड डिस्टिल्ड बेवरेजेज, डिस्टिल्ड बेवरेजेज, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो लाइक आपका विस्की, रम, ब्रेंडी, ये सारी आपकी क्या है, डिस्टिल एल्कोहल है। अभी जो बात करते हैं सेकंड टाइप जो आएगा वो हम बोलते हैं अनडिस्टिल बेवरेजेस। देखिए अनडिस्टिल में बात करते हैं, ये बेसिकली डिस्टिलेशन से आपकी प्रिपेयर नहीं की जाती, ये आपके ग्रेप्स या फिर फ्रूट जूस से, आपके फ्रेगमेंटेशन से हम क्या करते हैं, इनको प्रिपेयर करते हैं। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्रेप्स एंड अदर फ्रूट्स, फ्रूट जूस, इसी वजह से इनको, इनका दूसरा नाम भी होता है क्या, दीज आर कोल्ड वाइन्स, दीज आर कोल्ड वाइन्स। तो आपके माइंड में जो रहता है वाइन्स, सभी बेवरेजेज वाइन्स नहीं होती हैं, जो आपके ग्रेप से या फ्रूट जूस से प्रिपेयर करते हैं सिर्फ उन्हीं अल्कोहल्स को हम क्या बोलते हैं, वाइन्स बोलते हैं। यहाँ पे एक नोट है, एक पॉइंट आपको याद रखना है, जो इथेनॉल है उसको ड्राई करने के लिए आपके जो एनहाइड्रस कैल्शियम कार्बो क्लोराइड है
और आपका जो सोडियम मेटल है उसको यूज नहीं करते हैं, बिकॉज वो रिएक्शन उसके साथ रिएक्शन हो जाती है। इथेनॉल कैन नॉट बी ड्राई बाई यूजिंग अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एंड सोडियम मेटल। सोडियम मेटल और कैल्शियम क्लोराइड को यूज करके आप इथेनॉल को ड्राई नहीं करते हो, ये आपके माइंड में होना चाहिए। तो आपका जो इथेनॉल का पार्ट था वो इतना ही है, इथेनॉल की यूजेज प्रॉपर्टीज और जो पूछेगा वो यहीं से पूछेगा, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब आपके सेकंड कंपाउंड की बात करते हैं, इथेनोइक एसिड के साथ हम उस इथेनोइक एसिड की बात करते हैं। इसका दूसरा नाम कॉमनली कॉल्ड क्या बोलते हैं इसको, कॉमनली नोन एज एसिटिक एसिड। इसको कॉमनली एसिटिक एसिड से जानते हैं, ठीक है। होता क्या है, ये आपका केमिकल, इसका फॉर्मूला CH3COOH। ये जो ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट है। सो ये किसके साथ बिलोंग करेगी, एसिटिक एसिड वो किस फैमिली से बिलोंग करेगी, बिलोंग टू कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली। कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली के साथ आपकी बिलोंग करेगी, ठीक है भाई। अब देखो इसका एक और नाम भी जनरली यूज करते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मीथेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जनरली क्वेश्चन पूछ लेता है कि भी क्या इसका अनदर नाम क्या होगा या इसको क्या और बोलेंगे, तो मीथेन कार्बोक्सिलिक एसिड भी इसको बोलते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज के साथ डील करते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करेगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर बता देता हूँ क्या होगा, CH3। चलो यहीं पे बना देता हूँ स्ट्रक्चर, ये आएगा ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन आएगा आउटवर्ड और ये एक हाइड्रोजन इनवर्ड, ये इस कार्बन, इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये आपका OH, इसका क्या है स्ट्रक्चर है। तो एक ये जो आपका COOH है, एक कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड है, एक के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ये आपका OH है। और ये क्या कैसा है, जैसा कि नाम दिखा रहा है ये H पॉजिटिव, ये इसी की वजह से क्या है एसिडिक नेचर है, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी की वजह से आपका एसिडिक नेचर है, बिकॉज ये एच पॉजिटिव प्रोवाइड करेगा। सो आपका जो इथेनोइक एसिड है वो कैसा रहेगा नेचर में, एसिडिक रहेगा। अभी बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज में बात करें सबसे पहली प्रॉपर्टीज, जो आपकी प्योर एसिटिक एसिड होती है वो कलरलेस होती है और उसकी एक पंजेंट सा ऑर्डर रहता है, और वो आपकी आईज और स्किन के लिए अगर वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में है तो वो काफ़ी आपके कोरेसिव नेचर की होती है, दैट मीन्स आपको जलन सी प्रोड्यूस होती है। तो क्या होता है, हम लिखते हैं प्योर एसिटिक एसिड इज ए कलरलेस लिक्विड, क्या रहेगा आपका कलरलेस लिक्विड विथ स्ट्रॉन्ग कोरोसिव पंजेंट ऑर्डर, कैसा ऑर्डर रहता है, पंजेंट सा ऑर्डर उसका होता है, ठीक है। दूसरा कैसे नेचर कैसा एसिडिक, इट इज एसिडिक इन नेचर बट वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते, ये आपका कैसा होते हैं वीक एसिड आपकी होती है। थर्ड बात करते हैं इसका जो टेस्ट की बात करते हैं, इसका टेस्ट अब एसिड हो गया तो क्या रहेगा, श्योर टेस्ट रहेगा बिल्कुल, इट हैज कैरेक्टरिस्टिक श्योर टेस्ट एंड ये जो आपकी है वाटर के अंदर मिसिबल होती है,
एंड इज हाईली मिसिबल इन वाटर। क्यों हाईली मिसिबल इन वाटर क्यों है? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आपकी क्या है, हाईली मिसिबल है किसके अंदर, वाटर के अंदर। फोर्थ आपकी प्रॉपर्टी लिखते हैं, इट्स डेंसिटी इज 1.05 ग्राम पर ml एंड इसका बॉइलिंग पॉइंट एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 118 डिग्री सेल्सियस। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। अभी बात कर लेते हैं इसके यूजेज के साथ। तो सबसे पहला यूज, ये आपका एज ए विनीगर यूज होता है। इसको हम विनीगर से भी जनरली जानते हैं, फूड इंडस्ट्रीज में एज ए विनीगर यूज होता है। और एसिडिटी रेगुलेटर भी आपका यूज होता है। सो इट इज यूज्ड इन फूड इंडस्ट्रीज। जो आपने सिरका आप घर में भी जो यूज करते हो वो आपका क्या है, एसिटिक एसिड है जो विनीगर घर में यूज करते हो। इट इज यूज्ड इन फूड इंडस्ट्रीज एज विनीगर एंड एज ए एसिडिटी रेगुलेटर। बॉडी के अंदर एसिडिटी रेगुलेटर की तरह भी आपका काम करता है। सेकंड बात करते हैं, बहुत सी ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर ये आपका सॉल्वेंट की तरह काम करता है और पेंट्स और आपके रेजाइंस के अंदर भी सॉल्वेंट की तरह काम करता है। इट इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट फॉर पेंट्स एंड रेजाइंस। पेंट और रेजाइंस के अंदर क्या करता है, आपका एज ए सॉल्वेंट की तरह काम करता है। थर्ड, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेयन। रेयन आपका एक फाइबर होता है, मतलब एक क्लोथ्स में जनरली यूज करते हैं बहुत सारे, आपने देखा होगा। तो उसके अंदर पॉलीमर होता है, उसके अंदर हम यूज करते हैं, ठीक है। तो पॉलीमर बेसिकली आपका होता है एक रेयन, जिसके उसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये यूज होता है। और कहाँ यूज होता है, इन प्लास्टिक रबर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, प्लास्टिक रबर हो गया आपका, सिल्क इंडस्ट्रीज, इनमें भी आपका ये यूज होता है। तो बस एसिटिक एसिड के यही आपके यूजेस थे जो आपके पढ़ने हैं। ये सिंपल सा आपका है इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। इनके जो कॉमन नेम है या फिर आपके जैसे मिथाइलेटेड स्प्रिट है, बेवरेजेज हैं, उनको आपको जरा माइंड में ज़रूर रखना है। और एक दो इम्पोर्टेंट जो यूजेज हैं वो आपको ज़रूर याद रखने हैं, बाकी हो जाएगा। सिंपल सा आपका ये टॉपिक है। कोरोसिव पंजेंट ऑर्डर होता है, वैसे यही जनरली वो पूछ लेगा। वाटर के अंदर मिसिबल क्यों है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। इथेनॉल को क्या, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड से आप ड्राई कर सकते हो, नहीं कर सकते। सोडियम मेटल से भी ड्राई नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं, आपका हो जाएगा। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।